तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर गुरुचरण सिंह सोडी को सोमवार रात पालम इलाके के सीसीटीवी फुटेज में सड़क पार करते हुए देखा गया। उनकी फ्लाइट सोमवार रात 8:30 पर के लिए निर्धारित थी, लेकिन उन्हें दिल्ली में रात करीबन 9:14 पर पालम में एक ट्रैफिक चौराहे पर देखा गया। पुलिस ने कहा कि वे सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं और मामले की जांच जारी है। बता दें कि मशहूर टेलीविजन सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गुरुचरण सिंह उर्फ रोशन सिंह सोडी 22 अप्रैल से ही लापता हैं। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि गुरुचरण सिंह का इस तरह से गायब होना पुलिस के लिए पहेली बनता जा रहा है, क्योंकि मामले में नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज जांच शुरू कर दिया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि 22 अप्रैल को गुरुचरण सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट जाना था, जहां से वह मुंबई की फ्लाइट पकड़ते, लेकिन बताया जा रहा है कि वह एयरपोर्ट की तरफ गए ही नहीं। उन्होंने पालम के आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज में पैदल जाते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि गुरुचरण ने एटीएम से लगभग 7,000 रुपए दिल्ली में निकाले थे।